नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। बेसिकली एक स्टॉक के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा क्योंकि कन्फ्यूजन है दोस्तों। बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि मतलब वो समझ नहीं पा रहे कि हम जोमेटो बाय करें या स्विगी बाय करें। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट से डाउट्स को क्लियर करूंगा कि जोमेटो बाय करना है या स्विगी बाय करना है, डिसीजन आपको लेना है। लेकिन सबसे पहले स्विगी में इस टाइप की तेजी क्यों देखने को मिल रही है, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि जोमेटो की बात करें तो अभी 2-2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो इन स्टॉक में अपने को करना क्या है, अभी क्या बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर देखा जैसे मतलब कि ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उनको भी क्या करना चाहिए, जिस रेट में डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक हमारा स्विगी है। स्विगी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस स्टॉक की अगर मैं सबसे पहले, तो ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है और अब उस टाइम पे जब मार्केट में कंपनी आ रही थी तब की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है दोस्तों, अगर GMP की अगर मैं बात करूँ तो वो भी गिर के लगभग आप कह सकते हैं कि माइनस में एग्जिट दिख रहा था। लेकिन जिस टाइप मतलब जिस समय कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई तो आप कह सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद लगभग 20% का कंपनी ने रिटर्न भी बना के दे दिया। हालांकि किसी ने हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग न किया, लेकिन उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। जो लिस्टिंग प्राइस था उसके आसपास ही कंपनी आई, लेकिन अभी देखा है तो आप कह सकते हैं 500 के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ऐसा क्यों दोस्तों कि इस स्टॉक में तेजी है? सेकेंड, वहीं पर अगर मैं इसके कंपटीटर की बात करूँ, कंपटीटर इसका कौन है दोस्तों? जोमेटो। जोमेटो की बात करूँ तो सिर्फ यहाँ पर 2% के ऊपर आप कह सकते हैं 2% के आसपास तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर मैं बात करूँ जोमेटो के चार्ट की, और देखिए जस्ट मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, न कि शॉर्ट टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखा जाए तो मतलब कि जोमेटो में अपने को जिस समय तेजी देखने को मिली थी उसी टाइम से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्विगी में भी तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अगेन जोमेटो में गिरावट देखने को मिली और स्विगी में अपने को तेजी देखने को मिली। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मैं तेजी की बात करूँ तो जो स्विगी में तेजी देखने को मिली, आप कह सकते हैं कि कंपनी जो यहाँ पे मतलब कि ब्रोकरेज की बात करती, ये एक ग्रोथ पोटेंशियल बता रहे हैं स्विगी में, जिसके कारण स्टॉक में लगभग 8% से 10% की तेजी देखने को मिली। वहीं पे अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट के बाद आप कह सकते हैं कि लगभग 20% का अभी तक कंपनी ने रिटर्न भी बना के दे दिया है। डिलीवरी फर्म टू डिक्लेयर क्वार्टर टू का रिजल्ट इनका, जो मतलब आप कह सकते हैं दिसंबर का जो इनका रिजल्ट है उसको भी शायद कंपनी ने डिक्लेयर किया है, जिसके कारण इस स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिल रही है। हालाँकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे छोटा मोटा आपको न्यूज़ बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बाई होल्ड सेल की अगर बात करूं, देखिए स्टॉक ख़राब नहीं स्विगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो अभी इस स्टॉक में टारगेट दिया है किसने, शायद UBS ने दिया है। UBS की बात करें तो इन्होंने लगभग 515 रुपये का टारगेट दिया, जो कि 12% अपसाइड बताया जा रहा है। हालांकि इनके जो टारगेट है एक साल के हैं और यहाँ पे देखिए तो 500 के ऊपर अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगेन अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे सारा मतलब कि वही UBS का ही अपसाइड का जो टारगेट है 20% का, लगभग कंपनी ने अभी मतलब कि उनके करंट प्राइस से आप कह सकते हैं कि वहाँ तक मतलब 20% तक जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी ये कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1000 करोड़ का देख, माफ करना, 1 लाख करोड़ का देखने को मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत सारे इन्वेस्टर जो कन्फ्यूजन में है, सबसे पहले दोस्तों ये जो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है ना, ये अगर जोमेटो को टक्कर देगा तो आप कह सकते हैं कि ये इसका जो प्राइस है डबल हो जाएगा, मतलब 1000 तक ये कंपनी का प्राइस हो जाएगा, तो इसका 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा। और सेकंड अगर मैं बात करूँ तो ये शायद अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब इसका कुछ इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि PE देखने को नहीं मिलता है इसके, जस्ट यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट है, रेवेन्यू की बात कर 35% का जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिला था, और यहाँ पे अगर आप देखें तो नेट इनकम में कंपनी आज भी लॉस में है, इस चीज़ को नोट करना। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर पैसा जो लगा रहे हैं अभी वो किस बेस पे लगा रहे हैं कि जिस टाइप से मतलब कि जोमेटो एक झटके में प्रॉफिट में आ गया, देखिए दोस्तों जोमेटो को बहुत लंबा टाइम लगा और उसके बाद जाके वो कंपनी पहले 2 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, उसके बाद आप कह सकते हैं कि अभी जा करके वो एक अच्छा खासा कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। तो जोमेटो की बात करें तो जोमेटो देखा है तो मेरे पॉइंट से जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहता है मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस भी नहीं करूँगा। जोमेटो के अगर आप देखेंगे जोमेटो को तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, आज भी इसका 340 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से बहुत सारे इन्वेस्टर क्या है कि जो वैल्यूएशन है दोस्तों, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा जो उनका मतलब मानना है कि स्विगी को हो सकता है कि प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी अगर मैं पी की बात करूँ इसका पी है ही नहीं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्विगी का पी है ही नहीं, जोमेटो का पी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर मैं इनके क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो ये कंपनी 611 लॉस में है, 611 करोड़, ये कंपनी 176 करोड़ प्रॉफिट में है।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि इनके जो ROCE है माइनस में है। मतलब मेरे पॉइंट से जो भी डिस्टर्ब बाई करना चाहता है, आपके पास अगर मतलब कुछ अमाउंट लगाना है तो ऐसा नहीं, आप मतलब आप अपने डिसीजन ले सकते हैं खुद से, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, फर्स्ट प्रेफर आप चाहे तो जोमेटो को ले सकते हैं, सेकंड पे आप चाहे तो स्विगी को ले सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से कोई भी किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अभी एक चीज़ और भी, जो भी रजिस्टर इसको बाई करना चाहते हैं, मैं कोई भी रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। जो इनका लॉकिंग पीरियड होता है 90 दिन का, एक महीने का जो 50% सेल करेंगे, उसके बाद जो है कि 90 दिनों में सेल करेंगे, तो ये सारा मेरा जो भी है मानना दोस्तों, आप थोड़ा सा इसके लिए भी वेट एंड वॉच करें, फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि अभी जो भी रजिस्टर स्विगी को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, हो सकता है कंपनी 700 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, और गिरावट की बात करती है कंपनी आने वाले समय 300 रुपये पर भी ट्रेड करेगी, इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ 300 वाली, हालांकि अभी 700 की बात करें तो हो सकता है कि जस्ट ये क्लियर भी हो सकता है कि 700 रुपये की लेवल को भी टच कर सकती है, जो कि इस समय जो मार्केट में सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर अगर मैं जोमेटो की बात करूँ, जोमेटो हो सकता है दोस्तों आने वाले समय ये कंपनी 500 के ऊपर भी ट्रेड करे, और गिरावट की बात करें तो गिरावट की इसकी कम चांस है, फिर भी लास्ट आप 200 से 250 के बीच में ट्रेड मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।